हेलो फूडीज, आतिश फूडी मील्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी रेसिपी जो आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में भी खा सकते हैं और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। इसमें मौजूद बाजरा वेट लॉस में मदद करता है और डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट सभी के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। बाजरे की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर का जार ले लिया है। उसमें मैं डालूँगी 6 से 7 हरी मिर्च। हरी मिर्च का ही मैं बना रही हूँ इसलिए मैं हरी मिर्च ज़्यादा ले रही हूँ। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, ग्रीन पीस आधी कटोरी, 1/2 चम्मच जीरा, इन सारी चीज़ों को हम बिना पानी के पीस लेंगे। सारी चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लिया है, बस ऐसे ही चाहिए हमें। यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी बाजरे के आटे का यूज़ किया है। उसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक या 1/2 चम्मच नमक। इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो दरदरा सा पेस्ट हमने बनाया था, हरी मिर्च, अदरक और ग्रीन पीस। और इसमें मैं डालूंगी ग्रेटेड कैरेट, इसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। और इसी में मैं ऐड कर रही हूँ पत्ता गोभी, इसे भी ग्रेट कर यूज़ कर रही हूँ। सारी चीज़ें हम ग्रेट करके यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर 1 बड़ा प्याज मैंने इसे भी ग्रेट कर लिया है। मेरे पास यहाँ पर पनीर अवेलेबल था इसीलिए मैं मैश करके इसमें पनीर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप स्किप कर दीजिए। अब हम उसमें ऐड करने वाले हैं बहुत सारा हरा धनिया। 3 छोटे साइज़ के मैंने बॉयल आलू लिए हैं यहाँ पर। अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो आप एक ही डालिए बड़ा, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम आटे के साथ बिना पानी के पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसमें पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आटे को गूंद लिया है और इसमें मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला है और बिना पानी के इसे गूंदा है। मुझे इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आपको पड़ेगी तो आप इसमें थोड़ा सा मिक्स कीजिए और इसका अच्छा सा डो बना लीजिए। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। थोड़ा सूखे आटे का यूज़ करते हुए हम इसे बेल लेंगे। मैं इसे बेलकर नहीं तो हाथ से बना रही हूँ। हाथ से इसे फैलाते हुए घुमा लेना है ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और एक कटोरी की मदद से मैं इसको गोल शेप दे रही हूँ। आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। देखिए ये गोल हो गया। यहाँ मैंने नॉनस्टिक तवा गरम करने के लिए रख दिया है और उस पर मैं डालूँगी। बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। यह बहुत गुणकारी है। बाजरे में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फाइबर, विटामिन बी के साथ साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह वेट लॉस करने के साथ ही इम्यून सिस्टम भी मजबूत करता है। ग्लूटेन फ्री और फाइबर से युक्त होने के साथ ही कब्ज की शिकायत भी दूर करता है। बाजरा में पाए जाने वाले पोषक तत्व डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। बाजरे के आटे को सर्दियों के मौसम में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाजरा से खिचड़ी, दलिया, टिक्की बहुत कुछ बनाया जा सकता है। बाजरा सेहत को एक नहीं बल्कि कई फायदे पहुँचाने में मदद करता है। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या टिफ़िन में भी खा सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो तैयार है हमारी हेल्दी टेस्टी रेसिपी जो वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और आप ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं। बाजरे की और भी रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हुई है जो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
थैंक यू।